स्वागत है जी मालवा एम बी टीवी देखने वाले सारे भरावां दा। माता नैना देवी जाने वाले श्रद्धालु हो जाण सावधान। खबर आ रही है बीते कल तो के सौण दे नराते आ रहे ने ते मालवा एरिया चों ज़्यादातर बठिंडा बुलाडा मानसा सुनाम भवानीगढ़ संगरूर पटियाला दे श्रद्धालु ने जिहड़े नैना देवी जांदे ने ते तस्वीरां तुसी देख रहे हो। ये तस्वीरां आ रही ने कौलां वाले टोबे तो तुहानू दस दईए कि कौलां वाले टोबे ते श्रद्धालुआं नू रोकिया जा रहा है ते उही श्रद्धालु माता नैना देवी विखे मत्था टेक सकणगे जिन्हां पास करोना की 72 घंटिया वाली रिपोर्ट होगी। भाव साफ साफ कहा जा रहा है कि करोना के दोए टीके लगे होने चाहिए ने। सो तुहानू दस दईए कि इधरों जाने वाले श्रद्धालु नैना देवी जाने वाले श्रद्धालु करोना वाले टीके लवा के ही जान ता तुहानू नैना देवी विखे मत्था टेकन दिता जाएगा। तस्वीर आ रही ने, यह तस्वीर बीते कल दिया ने कौलों वाले टोबे विखे श्रद्धालुओं नू रोकिया गया। उन्होंने करोना रिपोर्ट दिखाने लिए कहा गया है। जिहड़े श्रद्धालुओं कोल करोना की रिपोर्ट मौजूद सी उन्होंने ही अगे जान दिता गया है। सो साडे नाल इत्थे श्रद्धालु भी मौजूद ने ते मौजूद ने पुलिस अधिकारी भी। आओ सुनते हैं की कह रहे ने। डिसीजन है ये सरकार के द्वारा लिया गया है और जब सरकार के द्वारा डिसीजन लिया गया है तो स्टेट लेवल पे भी कन्वे किया गया है। पंजाब में भी इसको थ्रू डीसी सूरज वर्दी चीफ सेक्रेटरी ये मैसेज दिया गया है। ये गवर्नमेंट का डिसीजन है ताकि यहाँ ज्यादा आपको पता है ये बहुत ज्यादा रश होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए या तो डबल डोज हो या फिर आरटीपीसीआर करा के आए लोग वैलिड विद इन 72 आवर्स। और मेरा सभी लोगों से भी यही अनुरोध है कि आप इस नियम को फॉलो करके ही आए अपनी टेस्ट रिपोर्ट्स लेके आए ताकि आप भी बचे रहें और बाकी लोग भी सुरक्षित रहें। धन्यवाद मैम। लोगों का कहना है ये महीना पहले अगर बता देते तो टेस्ट नहीं करवाते और सारा कुछ करवाते। अगर आप परेशान हो रहे हैं क्योंकि काफी दूर दूर से बठिंडा से फरीदकोट से लोग आ रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में भी हमने इसीलिए डीसी से बात करी है ताकि साथ के साथ मैसेज वहां पे भी कर रहे हो आप लोग भी पंजाब में इस मैसेज को डिसेमिनेट करें कि जैसे कि सरकार की गाइडलाइन है टेस्ट के साथ ही यहां पे दर्शन कराए जाए। धन्यवाद जी। वो अपनी टेस्टिंग करा ले ठीक है पर आरटीपीसीआर कंपलसरी है रैट कंपलसरी नहीं है तो उसमें 48 आवर्स लगेंगे। मैम श्रद्धालुओं का ये भी कहना है कि आज से तकरीबन 7-8 दिन पहले वो पैदल चल पड़े थे घर से उनके पास कोई मैसेज नहीं था कोई इंटीमेशन नहीं थी कि वहाँ पे हमें ये गाइडलाइंस। चलो जब वो सरकार के स्तर पर डिसीजन हुई है साथ ही साथ हमने उसको कन्वे किया है। जहाँ तक आरटीपीसीआर करने की बात है उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे अगर संभव होगा तो आपको कन्वे कर दिया जाए। यहाँ तो कोई फैसिलिटी मिल सकती है उनको की हम डिस्कस कर लेते हैं उसकी पॉसिबिलिटी देख लेंगे लेकिन आरटीपीसीआर है डायरेक्ट नहीं है तो रिपोर्ट आने में कम से कम 48 आवर्स लगेंगे। नीचे मैम हमने बाइट्स की कुछ देखने को ये मिला कि जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव है उनको भी आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। नहीं ऐसा कोई बड़ा क्लियर आदेश है ठीक है कि जिसकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट है उसको आने दिया जाएगा ठीक है। आज पहला दिन है मेले का जैसे कि उनकी वजह से जो है अब इट इज ऑल बींग स्मूदर्ड आउट कोई किसी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना आए और सब कोविड से भी सुरक्षित रहे इसीलिए ये इंतजाम करे जा रहे हैं ठीक है जी। धन्यवाद। दोनों वैक्सीनेशन कंपलसरी गोविंदगढ़ तो आया प्रशासन को पहला दसना चाहिए पहला पता नहीं थी पूरे आके हम मोड़ देने सारे बंदे असि पैदल आए असी तो है 25-30 जने पैदल आने हाँ मंडी गोविंदगढ़ सानू 125 किलोमीटर पै जाता एक पासे का पै ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦੇ